ये भी आज फिजिकल क्लियर करके आई है। और आपका टाइमिंग क्या था सपना? सात आठ, मतलब ओवरऑल मान के चलिए कि एक मिनट का गैप चाहिए अपने टाइमिंग को पूरा करने। गर्ल्स को 8 मिनट चाहिए होता है, बट 7 मिनट 8 सेकंड में इन्होंने अपना टाइमिंग क्लियर किया। हर किसी से आपको एक चीज़ बतवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम लोग यहाँ स्प्रिंट लगाते हैं, अब ये बताओ कि जो हम लोग का स्प्रिंट कैसे आ गया यहाँ पे, एक राउंड, दो राउंड, तीन राउंड, ये किस तरह से हेल्प करता है आपको वहाँ पे? स्प्रिंट ही काम आएगी वहाँ पे, सोलो रनिंग बिल्कुल काम नहीं आएगा। ये याद रख लो कि जो अब चलेगा, अभी तक ट्रेनिंग नहीं चल रही थी, अब फिजिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग अब चली, जो अब साथ लेगा इस ट्रेनिंग को, अब साथ लेगा उसी का फिजिकल हो रहा है। क्योंकि बच्चे दो सेकंड से निकल रहे हैं, दो तीन चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। एक होता है कि आपने टाइमिंग पूरा कर ली, लेकिन फिनिशिंग लाइन से बहुत बच्चों क्या होती थी ना, आई तो गए धीरे हो जाते हैं। जब आप पे चीप लगा हुआ है, पैर में आप पे चीप लगा हुआ है, आप अपने टारगेट पे एक सेकंड भी पीछे रह गए, फिर टारगेट से हमेशा गोली की तरह निकलना है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। इसलिए आप जब थक गए और मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ स्प्रिंट पे जल्दी से मुझे पार करो, मेरे पार करो, तो पार करते हुए तेजी करना, तभी रुकना है। तो ये माइंडसेट आपका क्रिएट हो जाएगा कहीं पर भी कि आपका जो टारगेट है उसको तेज क्रॉस करो। क्योंकि आपका मान के चलिए कि 6:58 हो गया, 2 सेकंड बचा, अब टारगेट पे पहुंच गए, लेकिन स्लो होने की वजह से आपका 2 सेकंड पूरा हो जाएगा और आप रह जाओ। तो अभी स्प्रिंट का प्रोग्राम करेंगे हम लोग। जंप सपना आपका एक बार में हो गया था, तो सपना का भी कहना यही है, एक्सपीरियंस करके आइए कि स्प्रिंट की ट्रेनिंग जो है आपको वहाँ हेल्प करेगी। तो सारे लोग सपना के लिए बात खाली हो जाए, और आप अभी घर जा रहे हो, जाओ मम्मी पापा से मिलके आओ, फिर मिलिए, ठीक है? ओके, एक बार अपने व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे ट्रेनिंग के लिए, यहाँ प्रोग्राम क्या था, कैसा लगा, कैसे पहले टाइमिंग कितनी आती थी, जब ज्वाइन स्टार्टिंग का तो मेरा टाइम था 7:44 ही दिया था। नहीं, जब सबसे पहले ज्वाइन किए थे तब क्या स्थिति थी? वो तो 7:44 ट्रेनिंग के बाद, जब मेरे पास, हाँ, जब सबसे पहले मेरे पास जब आए थे, स्टार्टिंग तो मेरा एक राउंड भी नहीं होता था, मतलब रो के किया था मैंने स्टार्टिंग वाला। 200 मीटर का भी एक राउंड, 100 मीटर का एक सर्कल कराते थे कॉरोनेशन पार्क में, वहाँ भी इनसे नहीं हुआ। मतलब अगर यहाँ से इनको दौड़ के बोला जाए कि 100 मीटर दौड़ जाओ, उसमें ये लड़की रो जाती थी, इसको 10 मिनट तक बहलाना फुसलाना पड़ता था, तब जाकर के ये करती थी। और आज के टाइम में इस पूरे ग्राउंड में इस तरह से दौड़ती है कि जो लड़कियाँ कुछ देखती हैं कि दौड़ रहा, तो वही चीज़ है कि अपने आप को उस प्रोसेस के अंदर में लाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपके लिए वो चीज़ बहुत इजी हो जाएगा जो आपको पहले टफ लगता है। तो गाइस, जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं या जो यहाँ मौजूद है, प्लीज़ 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 जितने भी दिन बचे हैं स्प्रिंट पे टाइम दिए, और अपने एग्जाम से 2 दिन पहले एटलीस्ट रेस्ट भी देना पड़े। ये नहीं कि एग्जाम कर लो और आज हम स्प्रिंट की प्रैक्टिस करें, ऐसा भी नहीं करना, टेक्निकल ट्रेनिंग करें, ठीक है? तो ठीक है, एक बार फिर से।